गांव गुजरेगा और जिस बंदे ने भैंस से चोरी की होगी, जैसे ही वो चद्दर के नीचे से गुजरेगा उसको दिल का दौरा आ जाएगा, वहीं पे मर जाएगा। गांव वालों ने पूरे अनाउंसमेंट कर दी, याद रखना जे मेरी बात, के भगवंत मान आया था सोनीपत में कि चलो जी चद्दर के नीचे से गुजरना है। गांव के चार मोहतबर बंदों को चद्दर पकड़ा दी, चारों बंदे ऐसे चादर ओढ़ के अपना अपना कोना पकड़ के खड़े हो गए। पूरे गांव के आदमी चद्दर के नीचे से निकल गए, कोई नहीं मरा। औरतें निकाल दी चद्दर के नीचे से, कोई नहीं मरी। चलो कहते बच्चों को भी निकालो, बच्चे भी निकाल दिए गांव के, कोई नहीं मरा। पूरा गांव चद्दर के नीचे से निकल गया, कोई भी नहीं मरा। पता क्यों सोनीपत वालों? मरता कैसे? जो भैंसे चुराते थे वो तो चद्दर पकड़ के खड़े थे चारों, चोरों के पास तो चद्दर थी, मरता कौन? यही हमारा देश में हो रहा है। अरे चद्दर चोरों को पकड़ा रखी है, हम आपस में लड़ रहे हैं, तेरा मंदिर है, तेरा मस्जिद है, तेरा ये है, तू ये समाज है, तू ये समाज है, एक कहने के लिए आए हैं। आम आदमी पार्टी के ईमानदार लोगों को चद्दर के कोने पकड़ा दो, आपकी सभी किस्म की चोरियां बंद हो जाएंगी भाई साहब, ये यकीन करते। अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, डरने वाले नहीं है। चलो जेल में कर दो, चलो यहां मर्जी कर दो, कोर्टों से तो बड़े नहीं हो, कभी ना कभी तो निकलेंगे। लेकिन जब निकलेंगे, लोहा आग बन के निकलता है, भट्टी में जब सोना होता है ना, सोना पता नहीं कितनी भट्टियों में से निकलता है, दे लो भट्टियों में हमें, सोना बन के निकलेंगे। पब्लिक हमारे साथ है, अगर जनता हमारे साथ है, इससे बड़ा खजाना और कोई हो नहीं सकता। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यू कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। सो भाई साहब आइए, निकल के बाहर आइए, अपने बच्चों के लिए निकल के बाहर आइए। दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ के बच्चों को बड़ी बड़ी नौकरियां मिल रही हैं, तो हरियाणा के स्कूल अच्छे क्यों नहीं हो सकते? पंजाब के स्कूल अच्छे हो रहे हैं तो हरियाणा के क्यों नहीं हो सकते? पंजाब में 43,000 नौकरियां मिल गई, हरियाणा में क्यों नहीं मिल सकती? पंजाब में और दिल्ली में बिजली माफ है तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकती? सब कुछ हो सकता है अगर नीयत अच्छी हो, नीयत अच्छी हो। अब भाई साहब पहले तो कहते थे डबल इंजन है, हरियाणा को कहा था ना कि डबल इंजन है, एक मोदी है एक खट्टर है, बीच में से भाई साहब खट्टर खटारा बन के इंजन बदल दिया, अब तीसरा इंजन लेके आए हैं। ओ भाई साहब, ना हरियाणा को ना देश को डबल इंजन नहीं चाहिए, नया इंजन चाहिए, नया इंजन, लेटेस्ट इंजन। ये बात करने आपने इतना मान सम्मान दे रहे हो। हरियाणा में अभी पेहवा से आ रहा हूं, इसके बाद मेरी कैथल के पास एक रैली है, हर रोज जहां जहां ड्यूटी लगेगी जाएंगे। और हरियाणा में तो वैसे भी रिश्तेदारी है, पेहवा में तो रिश्तेदारी है, और पेहवा वालों ने आज इतना मान सम्मान दिया। मैंने कहा जी ऐसी बात नहीं है, वो पुराने वाली बात होती थी कि दामाद आया है तो पूरा गांव उसके लिए बना रहा होता था रात्रि भोज, ये वो। आजकल इज्जत बची रहे वही ठीक है, आजकल फुफा की वो कीमत नहीं है जो पहले होती थी। तो मैं तो ये कहूँगा कि अपने अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको नौकरी दिलवाइए। वो लोग आपके बच्चे गरीबी खत्म कर सकते हैं आपके घर की? कोई नीला कार्ड पीला कार्ड हरा कार्ड नहीं खत्म कर सकता। अगर आपके बच्चे पढ़ गए अफसर बन गए तब घर की गरीबी खत्म होगी, तब आपके घर की गरीबी खत्म होगी। तो ये बात कहने के लिए आपके पास आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा मान रखोगे, जितनी बार बुलाओगे मैं आऊंगा, और जितना आपने मान सम्मान, इतनी गर्मी में आप इतना माएं बहनें आई हुई हैं और इनका आना बहुत ज्यादा अच्छा है, संकेत है, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा पता है ना
कि चूल्हे पे क्या पकता है, क्या पकता है छोड़ो, इनको ये पता है कैसे पकता है। मर्द ने तो आके कहना है शाम को क्या बनाया है, आज क्या पकाया है, उसको पता है ना कैसे पकाया है। इसलिए मैं माओ बहनों को स्पेशली विनती करता हूं कि जरूर आइए, सुनिए सबकी बातें। अगर आपके बिना चूल्हा नहीं चल सकता तो आपके बिना देश भी नहीं चल सकता। नारी शक्ति बहुत जरूरत है। लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। जब मर्जी बुला लेना, हाजिर रहेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर दो नारे लगा दो। यहां से दिल्ली नजदीक है, तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल हैं, वो हमसे पूछेंगे शाम को आज कहां थे, मैं कहूंगा सोनीपत था, मैं पिहेवा था, मैं कैथल था, तो नारे कैसे लग रहे थे वहां। आज सोनीपत वाले नारे तो कम से कम मुझे ना बताने पड़े, यहां से सीधे वहीं सुने, दोनों हाथ ऊपर उठा के इनकलाब जिंदाबाद के दो नारे, इनकलाब, थोड़ा सा और दिल्ली टपा दो, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की जय।